मंजुला कभी जीतेगा, मंजुला देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंजुला देवी जिंदाबाद, मंजुला देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंजाब का मुखिया कैसा हो? मंजुला देवी जिंदाबाद। पंजाब का मुखिया कैसा हो? मंजुला देवी जिंदाबाद, मंजुला देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंजुला देवी जिंदाबाद। जय मिथिला, मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम गांव की सरकार में। और अभी हम मौजूद हैं किरतपुर प्रखंड के किरतपुर पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, अभी नामांकन करा कर आई हैं, पंचायत के मुखिया पद की उम्मीदवार। आइए जानते हैं इन सबसे पहले इनका परिचय, अपना परिचय। मेरा नाम है मंजुला। और आप कौन से पद के लिए अभी नामांकन पर्चा दाखिल की? मुखिया पद के लिए। मुखिया पद के लिए। मेरा नाम हुआ श्रवण प्रसाद, मेरी पत्नी है मंजुला, मेरा घर इसी गांव में, इस पंचायत के अंतर्गत सिमरी गांव में ही मेरा घर है और मैं समाज सेवी हूँ। मेरी पत्नी मुखिया पद के लिए नामांकन की है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। क्या मुखिया पद के लिए? नहीं, दूसरे से पद के लिए, जिला परिषद पद के लिए मैंने चुनाव लड़ा था। अच्छा, अभी आप मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर जा रहे हैं? मैं जनता के लिए तो सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा समाज का, जो है छोटे और बड़े को साथ लेके चलना। उसके बाद जो है गांव में जो विकास के कार्य होगा वह कार्य मैं करूँगा, और स्वास्थ्य शिक्षा ये सबसे पहला मुद्दा है मेरा, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के लेकर हम चलेंगे। गांव को जो विकास है वह विकास करेंगे, उसमें हम जाति भेद नहीं है मेरे पास, सभी वर्ग के लोग को अपना साथ लेके चलेंगे। और सबसे पहले जो यहां के वातावरण है, रोड टूटी हुई है, सड़क टूटी हुई है, पुल पुलिया टूटी हुई है, हम लोगों को आने में आज इतनी दिक्कत हुई है, उसको सबसे पहले हमने उस कार्य को शुरुआत करेंगे पंचायत से। ज्यादातर आपके पंचायत में देखा गया है कि भ्रष्टाचार, हाँ भ्रष्टाचार बहुत सारा है, आप कह
पहले तो शौचालय में 2000 रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 रुपये और वृद्धा पेंशन के लिए भी जनता को पैसा देना पड़ता है। क्या आप अगर जनता चुनेगी तो आप इस पे इसका क्या कदम रहेगा? मैं सबसे पहले इस भ्रष्टाचार का मिटाऊंगा और ये तो है बोल रहे हैं ये सत्य बात है, शौचालय में भी 2000 रुपया लिया जाता है और उसके बाद इंदिरा आवास के नाम पर लूट हो रही है। गरीबों का नाम जब लिस्ट में आता है उससे पहले बिचौलिया आके 20,000, 25,000, 30,000 लिया जाता है। इसको मैंने सबसे पहले पंचायत में इस चीज़ को हम मिटाएंगे। और क्या क्या मुद्दा है जिनको आप अगर जनता चुनेगी आपको तो आप पहला काम करेंगे उसको? सबसे पहले जो हमारे पंचायत में गरीबी रेखा से नीचा है उसकी जो अंत्योदय अन्नपूर्णा कार्ड बनता है उसमें हम सहयोग करेंगे। जो वृद्धा पेंशन है उसको हम सबसे पहले लाके सभी धरातल पर लाएंगे। आखिर क्या कारण रहा कि आप लोग राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, क्या कारण है? मैं राजनीतिक में इसलिए कि मुझे राजनीतिक से बहुत लगाव है। मेरे दादा थे स्वर्गीय लखन राम, उसी का मैं पोता हूँ। मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने इस राजनीति से लगाव रखा, मैं उसी का पोता हूँ, इस समाज का बेटा हूँ, इसीलिए मैं राजनीति से बहुत बड़ा लगाव और मेरा उच्च आगे बढ़ने का मन मनोबल है। अच्छा, आपने अभी नामांकन करा लिया है, जनता के लिए आपका क्या संदेश है? जनता से मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मुझे जनता वोट दे और मैं उनका सेवा करूँगा। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं वादा करता हूँ सभी ग्रामीणों से, सभी जनतागण से, जब मैं जीत कर आऊंगा तो इस गाँव को आदर्श पंचायत में घोषित करूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद बात करने के लिए, धन्यवाद। फोटो लेना है, फोटो।